दोनों एक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो भाई हम लोग पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर वी विल ड्रॉ कि एक ऐसे दो डिवीजन बनाएंगे, एक है 1872 और दूसरा है 2023, और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन वन पे। तो ये बताओ कि क्या सेक्शन वन दोनों में सेम है सेक्शन वन से? तो सेक्शन वन यहां पे भी उसी मुद्दे पे बात करने वाला है और यहां पे भी सेक्शन वन उसी मैटर पे बात करने वाला है, ठीक है? अब दोनों के सेक्शन वन को कंपेयर करते हैं, ठीक है? अब अगर आप पुराने वाले एक्ट को देखें, अगर किसी के पास पुराने वाला एक्ट है तो उसके यानी कि 1872 में सेक्शन वन क्या बात बताता था? पुराने वाले एक्ट में सेक्शन वन में तीन बातें बताई गई थी, शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंड एंड तीसरा कमेंसमेंट। ऑब्जर्व द लाइन वेरी केयरफुली। तो अगर हम पुराने एक्ट को देखें तो वहां पे तीन बातें बताई गई थी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। क्या आज बीएसए 2023 में भी ये तीन शब्द हैं? देन यू से कि सर ऐसा यहां पे वर्ड जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इस तरीके का वर्ड्स यहां पे हमें देखने को मिलने वाला है क्या? ओके, तो यहां पे एक जगह पे लिख दिया है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होने वाला है इनमें? अगर आप देखें पुराने वाले के शॉर्ट टाइटल को तो उसका नाम क्या था? द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और अब आज वाले का शॉर्ट टाइटल क्या है? द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ये पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक्सटेंट वाला पॉइंट मुझे बताइए, क्या 1872 में ये लिखा गया था कि दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया? यस, 2019 के बाद इसे पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया था। क्या 2023 ने ये बात लिखा कि दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि आज की तारीख में ये बात यहां नहीं लिखी गई? तो क्या रीजन है कि आपने 2023 में ये क्लॉज हटा दिया जो कि हमेशा हर एक्ट में है? आज हिंदुस्तान का कोई भी एक्ट पढ़िए, सब में आपको एक लाइन दिखेगा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले लिखते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, 2019 के बाद लिखा इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। बीएसए 2023 में यह शब्द क्यों हटाया गया? एक रीजन दिया जा रहा है कि जब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिख दिया तो भाई डेफिनेटली ये भारत में अप्लाई होगा, तो फिर इसके लिए हम अलग से फिर क्यों लिखें? ओके, और 370 आज की तारीख में है नहीं। एक और रीजन इसका हम लोग समझ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों स्टिपुलेशन में नहीं यूज किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एविडेंस का डेफिनेशन बदला गया है? काफी कुछ बदल दिया गया। डिजिटल एविडेंस, डिजिटली जनरेटेड एविडेंस भी क्या एविडेंस है? तो डिजिटल तरीके से अगर वर्ल्ड के किसी भी जगह पे एविडेंस जनरेट किया जा रहा है, विल अप्लाई। डिजिटल का कोई लिमिट थोड़ी है। डिजिटल चीजें क्या सिर्फ हिंदुस्तान में बैठ के ही होंगी? जब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो अमेरिका में बैठा हुआ भी एक डिजिटल सिस्टम का एविडेंस हम इंडिया में यूज करना चाहते हैं। मैप द वर्ल्ड। Let's take an example that one of digital devices in America that is generating something and that I want to use in India. You could have said this extends to whole of India only. तो जब एविडेंस को आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ले आते हो, डिजिटल लेवल पे ले आते हो, तो फिर एविडेंस एक्ट को सिर्फ यहीं तक अप्लाई करना रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एक्सटेंशन, टेरिटरी हटा दिया। याद रखिएगा, जब डिजिटल आएगा तो टेरिटरी कैसे हो सकता है? Yes, ग्लोबल प्लेटफॉर्म आएगा। बिल्कुल सही जवाब। ओके, सर आपको ग्लोबली देखना होगा आपको फिर एविडेंस को, यानी कि अब इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी कंफर्टेबल करा रहा है। वन रीजन। अनदर रीजन आपने कॉलोनियल सिस्टम पे बोला। थर्ड रीजन जो है वो ये बताना चाहते हैं कि हम अननेसेसरी ड्राफ्टिंग क्यों करें, जब हमने भारतीय साक्ष्य लिख दिया है तो इसका मतलब है भारत पे अप्लाई होगा। चौथा रीजन लेक्स फ्राई का रूल है। काफी सारी चीजें हो सकती है, कई रीजंस दिए जा रहे हैं, कई लोग अपनी अपनी राय इसमें रख रहे हैं। ओके, लेकिन एक बात यहां पे डेफिनेटली है कि इन्होंने एक अच्छी ड्राफ्टिंग का यहां पे जो है, मुझे भी ये लगता था इट्स अ वेस्टेज ऑफ द वर्ड्स। जैसे मुझे इंडिया में एक वेस्टेज लगती है ओथ सेरेमनी। अगर नहीं भी ओथ और डिजिटली अगर ओथ ले लिया जाए घर पे बैठ के, तो क्या वो ओथ नहीं? और क्या गारंटी देते हो ओथ लेने के बाद वो सही काम करेगा? लेकिन वो समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है बिना मतलब का। ओथ सेरेमनी हो रहा है, लाखों रुपए। अभी मैं एक दिन कैलकुलेट भी कर रहा था, एक ओथ सेरेमनी में 17 लाख खर्चा हुआ, एक में 34 लाख खर्चा हुआ, और ऐसे कई ओथ सेरेमनी हुए। तो अननेसेसरी। वही अब मोदी जी कहते हैं कि भाई कि हम ये सारे प्रोटोकॉल्स और ये सब हटाना चाहते हैं।
अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कई रीजन है, तो एक तो डिफरेंस ये, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वर्ड जो है आज की तारीख में यहां पे वर्ड नहीं यूज किया गया है, उसका रीजन मैंने आपको कमेंसमेंट बता, क्या पुराने वाले एक्ट में कमेंसमेंट खुद लिखा हुआ था 1 सितंबर? तो आप कहते हैं सर उसमें लिखा हुआ था 1 सितंबर 1872 और इनका कमेंसमेंट, तो यहां पे कमेंसमेंट के लिए बोला गया दिस पावर हैज बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव, इसको कमेंस कराने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव को दी गई है कि जब आप इसे फोर्स में लाना चाहे ला सकते हैं, ये सुनो। तो आज की तारीख में ये जो पावर है बीएसए 2023 का कमेंसमेंट का डेट ऑलरेडी मेंशन नहीं है, दिस हैज बीन गिवन, दिस पावर हैज बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड दैट एग्जीक्यूटिव इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप लोग कहते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इसे फोर्स में ला सकती है। सो दिस इज द नेक्स्ट लाइन यू शुड टेक केयर ऑफ, कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इसका कमेंसमेंट मेंशन नहीं। ओके, और ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में जो है वो कमेंस हो जाए, ठीक है। सो रिमेंबर दिस लाइन। तो लेकिन हाँ, इसमें गवर्नमेंट को जो है ये दिया गया है, अब ऐसा क्यों किया गया, अब आप लोगों को ऑब्जर्व करना होगा कि इन्होंने ऑलरेडी एनफोर्समेंट का डेट क्यों नहीं लिख दिया। पार्लियामेंट में जब पास हुआ तो सीधा सीधा लिख देते कि दिस विल कम इनटू फोर्स ऑन दिस डेट। व्हाई दे हैव डन इट लाइक दैट व्हेनेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई देन इट विल कम इनटू फोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा इन्होंने क्या किया कि ऑफिशियल गजट में जब वो नोटिफाई करेंगे तब वो फोर्स में आएगा। नोबडी कैन नो द ग्राउंड बेटर देन एग्जीक्यूटिव, ओके, चाहे वो जज ही क्यों ना हो। ओके, एक गांव में, एक पंचायत सभा में क्या चल रही है, क्या समस्या है, ओके, बहुत सारे जजेस को नहीं पता, लेकिन उसका एमएलए, उसका जो सरपंच, उसका जो मुखिया है, ये जितने एग्जीक्यूटिव वाले हैं सबको पता। ये सुनो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूटिव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में राम जवाया कपूर में पूछा गया एक क्वेश्चन, राम जवाया कपूर द लैंडमार्क जजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर एंड द कोर्ट सेड एनीथिंग लेफ्ट आफ्टर द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। रेजिड्यूरी पावर एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव बेहतर जान सकती है सिस्टम को, एग्जीक्यूटिव को पता है कि कब माहौल उस लायक है, इसलिए इन लोगों ने जो है, बाकी पॉलिटिकली कुछ भी हो सकता है, लिखने वाली बात मैं बता रहा हूं कि जिसको हम फ्लोर पे बोल सकते हैं। ओके, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहां पे एक बात है कि एग्जीक्यूटिव को बेहतर पता था कि इस लॉ को कब बेहतरीन तरीके से लाया जा सकता है, उन्हें बखूबी पता था, इसलिए जो है एग्जीक्यूटिव को यह अधिकार दिया गया है कि जब आपको लगे कि हालात ऐसे है आप इसको फोर्स में ला सकते। और सिर्फ ऐसा आज नहीं हुआ, इवन आईपीसी लॉर्ड मैकॉले ने 1860 में ड्राफ्ट किया, पास हो गया, फोर्स में आया 1862 में, 2 साल लग गए थे आईपीसी को फोर्स में आने, अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन टू द पीपल सो दैट यू कैन नो अबाउट दिस न्यू आईपीसी। और अभी जो है ये पुराना वाला एक्ट आया है और कई दिनों से, कई महीनों से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, चर्चाएं शुरू हो गई, अब तो कितने वीडियोज आ गए, लेकिन जिस दिन आया था उस दिन तो कुछ भी नहीं था, बेयर एक्ट आ गए, वीडियोज आ गए, कमेंट्री नोट्स शुरू हो गए। तो एक मौका आपको दिया गया, एक थोड़ा टाइम दिया गया, तो एग्जीक्यूटिव बेहतर जान सकता था कब हमें इसे फोर्स में लाना है। दैट्स व्हाई दिस पावर हैज बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव में भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को पावर दिया गया है कि जब आप चाहे इसे फोर्स में ला सकते। अब जब भी ये फोर्स में लाएंगे, ये फोर्स में आए। अब एक चीज और देखते हैं, कमेंसमेंट में यहां पे डिफरेंस है, तो इसका कमेंसमेंट ऑलरेडी है 1 सितंबर 1872, लेकिन इनका कमेंसमेंट यहां पे मेंशन नहीं है, अभी तक इसका कमेंसमेंट एग्जैक्ट नहीं हुआ है। क्या नोटिफाई हो चुका है ऑफिशियल गजट? ओके, नॉट येट, यस, एंटीसिपेशन की जा रही है कि भाई लगभग लगभग कंफर्म है कि हाँ, ओके, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। सो होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, एक बात और कि सर कमेंसमेंट में तो चेंजेस है, अब एक चीज और मुझे बताइए, इस पॉइंट पे आइए, क्या आर्बिट्रेशन पे पुराना वाला एक्ट अप्लाई होता था? आप लोग मुझे पुराने वाले एक्ट के बारे में बताइए, 1872 क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता था? तो जवाब है नहीं। नए वाले यानी बीएसए 2023 क्या आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होगा? जवाब है फिर से नो। तो याद रखिएगा ना, पुराने वाले में आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होता था, नए वाले में भी नहीं अप्लाई होगा। एफिडेविट्स, क्या पुराना वाला एक्ट एफिडेविट के ऊपर अप्लाई होता था? अगेन द आंसर इज नो। ओके, तो यहां पे भी हम क्या कहेंगे कि ये एफिडेविट के ऊपर अप्लाई
नहीं होगा। तो नया वाला एक्ट भी एफिडेविट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नाउ वी हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्ट मार्शल। क्या पुराना वाला एक्ट 1872 कोर्ट मार्शल के ऊपर अप्लाई होता था? तो आप कहेंगे यस प्लस एक्सेप्शन। जवाब था कि हां सर, अप्लाई तो होता था कोर्ट मार्शल के ऊपर, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस थे। मतलब यह है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कोर्ट मार्शल के ऊपर अप्लाई होता था, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल चार एक्ट के अकॉर्डिंगली होता था तो उसमें एविडेंस नहीं लगता, वो अपने रूल से गवर्न होते। आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। ये चार एक्ट में अगर कोर्ट मार्शल चल रहा है, देन द प्रोसीडिंग विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद इंडियन एविडेंस एक्ट, बट दे हैव देयर ओन प्रोसीडिंग्स। लेकिन जनरली बाकी किसी भी एक्ट में अगर कोर्ट मार्शल चल रहा है तो फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही लगता है। वी विल अप्लाई इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोसीडिंग अप्लाई करेंगे। ओके, ये बात सुन। 2023 क्या कोई चेंज करता है इस कॉन्सेप्ट पे? एक्सेप्शन हटा दिया तो आप लोग कह रहे हैं कि सर आप देखो कंपैरिजन करने में इजी हो रहा है कि सर पहले कोर्ट मार्शल पे 1872 लगता था लेकिन चार वो सिचुएशन में नहीं लगता था। आज के तारीख में कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया है, सीधा कह दिया गया है कि क्या कोर्ट मार्शल के ऊपर बीएसए अप्लाई करोगे? किसी भी एक्ट में कोर्ट मार्शल चल रहा है, बीएसए विल गवर्न इट। सर मतलब आप कहना चाहते हो कि आज की तारीख में एक अगर कोई आर्मी पर्सनल है और उसका कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंगली हो रहा है तो अब रूल बदल गया? यस, पहले वो आर्मी एक्ट या फिर उनका खुद का प्रोसीजर हुआ करता था और आज की तारीख में बीएसए 2023 के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। मेक द पॉइंट। सो दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस यू हैव टू मार्क व्हाइल रीडिंग सेक्शन 1। ऑब्जर्व इट। सेक्शन 1 को अगर देखें, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। अच्छा ये बताइए कि पुराना वाला एक्ट क्या सिर्फ ये कहता था कि हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होंगे? अभी अभी मैं बता चुका हूं। और क्या न्यू एक्ट सेक्शन 1 ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही अप्लाई होगा? तो आप लोगों का कहना है कि सर ये भी सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा। और जुडिशियल प्रोसीडिंग किसके सामने? कोर्ट के सामने। और क्या पुराना वाला भी जुडिशियल प्रोसीडिंग सिर्फ कोर्ट के सामने अप्लाई होता था? हाँ यस। Then your answer will be yes, sir. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में चेंज नहीं, आर्बिट्रेशन में चेंज नहीं है, एफिडेविट में चेंज नहीं है, लेकिन कोर्ट मार्शल में चेंज है। ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है? कोर्ट मार्शल में चेंज है, यानी पुराना वाला एक्ट कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता था लेकिन चार एक्ट में नहीं अप्लाई होता था। आज की तारीख में कोई भी कोर्ट मार्शल है, दिस एक्ट विल बी अप्लाई। कमेंसमेंट में चेंज है, पिछले वाले का कमेंसमेंट ऑलरेडी मेंशन था 1 सितंबर 1872, और यहां पे पावर दिया गया है एग्जीक्यूटिव को और उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, जब नोटिफाई करेगी ऑफिशियल। शॉर्ट टाइटल में चेंज है, इसमें शॉर्ट टाइटल हुआ करता था द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और आज के तारीख में शॉर्ट टाइटल है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब क्या है, देखो एक इन्होंने और एक यूनिक पॉइंट यहाँ पे निकाला है कि सर एक और चेंज किया है। पहले एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में हुआ करता था, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज के तारीख में क्या ये पार्ट सिस्टम बदल दिए गए? तो अब आप लोग कहते हो कि सर 4 पार्ट हो गया है, ये सुनो। तो आप कहते हो कि सर नाउ वी हैव 4 पार्ट, सो वी हैव पार्ट 4 एज वेल। तो आपके पास 4 पार्ट है इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो 4 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया। आई गेटिंग इट? लेकिन और अच्छा, पहले पार्ट 1 में हुआ करता था रेलिवेंसी, रेलिवेंसी था ना, और अब क्या कर दिया? प्रिलिमिनरी। तो ये भी एक चेंज कर दिया गया। तो अगर इनका अगर जवाब देखें तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सर अभी पार्ट में भी बदलाव है। आई गेटिंग इट? तो ये भी अगला डिफरेंस याद रखने। ये था आपका सेक्शन 1। तो क्या आप लोग सेक्शन 1 को कंपैरेटिवली समझ पाए हैं दूसरों दोनों एक्ट को, कि क्या दोनों में डिफरेंस है और कैसे हम लोग उन दोनों डिफरेंसेस को समझ सकते हैं? शॉर्ट टाइटल के रिगार्डिंग डिफरेंस, ओके क्या था, एक्सटेंशन के रिगार्डिंग डिफरेंस, कोर्ट मार्शल, एफिडेविट, आर्बिट्रेशन, कमेंसमेंट, कोर्ट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ऑल मस्ट बी नोन। अब हमने किया कि अगर आप देखें तो हमने एक जो है वो डिमार्केशन करने की कोशिश करी, हमने जो है एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी और दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे समझने की कोशिश। ओके, तो ये एक बेहतरीन मेथड है
कंपैरेटिव मेथड, जिसमें हम कंपैरिजन करके दोनों सेक्शंस पे कमांड कर सकते और आज के तारीख में एक बेहतरीन तरीके से किसी को समझा भी सके कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या था। अब आज के तारीख में सेक्शन वन एक पुराना स्टूडेंट ये जो मतलब पुराने प्रोविजंस को भी समझा सकता है कि भाई कि क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या बदलाव हुए। अब मुझे एग्जाम में सेक्शन 1872 मुझसे पूछो या मुझसे एग्जाम में बीएसए 2023 पूछो, दोनों का ही सेक्शन मुझे पता है। ओके, तो ये लेवल आप लोगों को अपना तैयार करना है।